Type 2.2, question number 1, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at कहाँ कहाँ पर निकालना है, x equals to 0, x equals to minus 1 and x equals to 2, ठीक, सुनिए ध्यान से कैसे करना है, हमें क्या गिवन है, एक polynomial, कल हमने polynomial को डिस्कस किया था, ठीक है, ये, हमें polynomial गिवन है, क्या गिवन है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल, किसका फंक्शन है, x का, तो ऐसे डिनोट करेंगे px, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल को। क्या गिवन है पॉलिनोमियल हमें, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कहाँ पर, जब x की वैल्यू क्या हो, 0, तो यहाँ पर लिखेंगे एट, कहाँ पर निकालना है, x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर p ऐसे ही ठीक है, x की जगह क्या पुट करना है, 0, तो यहाँ पर x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक, अगर यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया गया है तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 पुट किया जाएगा, ठीक, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 5x की जगह यहाँ 0 माइनस 4, फिर से x की जगह यहाँ भी 0 का स्क्वायर और प्लस में क्या 3, ये बात आती है समझ में, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक, सॉल्व कर देते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे 0, ठीक, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे क्या आएगा, 0, और प्लस में क्या चल रहा है, 3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3, बिल्कुल आसान है, ठीक, फिर से अब उसने बोला x इक्वल्स टू माइनस 1 पर निकालो, तो कैसे करोगे, क्या लिखोगे, एट कहाँ निकाल रहे हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1 पर, तो यहाँ पर लिखोगे p, x की वैल्यू क्या, माइनस 1, ये बात आ रही है समझ में, अब जहाँ x की जगह माइनस 1 रखा है हमने, तो x की जगह सब जगह क्या लिख देंगे, माइनस 1, माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसा आ जाएगा, ठीक, अच्छा सॉल्व करोगे 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस 5, ठीक, माइनस 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनटू में लिखता हूँ 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके प्लस 3, इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 5 ऐसे ही ठीक है, माइनस देखो 4 इंटू 1 कराओगे तो क्या आएगा, माइनस 4 और प्लस में क्या 3, इसको सॉल्व करोगे माइनस 5 और माइनस 4 मिलकर कितना, माइनस 9, और उसमें प्लस 3 करेंगे तो माइनस 6, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, फिर से माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, माइनस 9 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 6, बिल्कुल आसान है, तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या कर क्या रहे हैं हम, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें ये एक्स का फंक्शन है, हम इसे क्या कहेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है वो कौन सा वेरिएबल है, x, उस x की कुछ वैल्यू हमें गिवन है 0 माइनस 1 2, तो x की जगह वो वैल्यू पुट करके हमें सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ आपको, एट x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें 2, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, x की जगह 2 रखेंगे इक्वल्स टू, फिर से 5 x की जगह क्या पुट करेंगे 2, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, क्या बात याद रखनी है हमें कि 5 और 2 के बीच में कौन किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो 5 इंटू 2 कराएंगे तो क्या आएगा 10, ठीक है, या तो आप चाहो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, या मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, अच्छा माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 इंटू 4 कराएंगे तो कितना 16, प्लस में क्या चल रहा है 3, प्लस का 3 प्लस का 10 13, और 13 और माइनस का 16 माइनस का 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, ये समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन उसने दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज में, वो देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल बेटा आगे बैठ जाओ, अच्छा सेकंड हमें दिया हुआ है, फाइंड P0, P1, P2,
अब तुम्हें ये क्वांटिटी देखकर समझ में आ रहा है पी जीरो पी वन पी टू ये क्या दिए हुए हैं, ये एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या जीरो रखना है, एक्स की वैल्यू क्या वन रखना है, एक्स की वैल्यू टू रखनी है, ये सब कुछ ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो अब इस बार उसने पॉलिनोमियल चेंज कर दिए हैं, है ना, ईच पॉलिनोमियल के लिए हमें इतनी इतनी वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो सबसे पहला वाला पॉलिनोमियल ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ऐसा दिया हुआ है ठीक, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। इसके लिए हमें क्या क्या निकालना है, पी जीरो, पी जीरो निकालना है। पी जीरो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वाई की वैल्यू क्या जीरो पुट करनी है ठीक। तो इसको सॉल्व करता हूँ, वाई की जगह जीरो माइनस जीरो प्लस वन, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना वन ठीक, ये समझ आया आपको। अच्छा इसके बाद फिर से पी वन, वन का मतलब क्या कि वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, वन पुट करनी है ठीक है। तो पुट कर देता हूँ वाई की वैल्यू वन का स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू यहाँ भी वन और प्लस वन ठीक, ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल आउट, वन का स्क्वायर कितना वन, ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ठीक है। अच्छा फिर से देखिए पी टू, पी टू का मतलब ये है कि वाई की वैल्यू टू पुट की जानी चाहिए ठीक है। तो यहाँ पुट कर देता हूँ टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, टू का स्क्वायर कितना आएगा फोर माइनस टू प्लस वन ठीक, फोर माइनस टू टू प्लस वन थ्री ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान होता है, ये समझ आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, पॉलिनोमियल गिवन है उसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकालनी है। ये मैंने एक पार्ट के लिए तीनों वैल्यू निकालनी है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूँ आपको। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है पी टी इज इक्वल्स टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, ये पॉलिनोमियल मैंने सही लिखा है चेक करो, ये सही लिखा है टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू ठीक, सही लिखा हुआ है। इसके लिए हमें ये तीन वैल्यू निकालनी है ठीक है, तो निकाल देंगे बिल्कुल आसानी से। देखो कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है पी जीरो ठीक है, पी जीरो निकालना है। तो पी जीरो देखो कैसे निकालेंगे, इस बात का मतलब टी की वैल्यू जीरो पुट करनी है, तो कर देता हूँ टू प्लस टी की वैल्यू जीरो प्लस टू टी की वैल्यू जीरो का स्क्वायर माइनस टी की वैल्यू जीरो का क्यू, बिल्कुल आसान है ठीक। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये पार्ट जीरो, ये पार्ट भी जीरो, ये पार्ट भी जीरो, तो क्या बचा टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है ठीक है। फिर से क्या निकालना है, पी वन, पी वन देखो कैसे निकालेंगे, टू प्लस टी की वैल्यू कितनी वन रखनी है, वन प्लस टू इन टू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, ये आ जाएगा ठीक। इसको आगे सॉल्व करना है, ये समझ आया मैंने क्या किया, टी की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है वन पुट कर दी है ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे, टू प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, और वन इंटू टू टू ठीक, माइनस वन का क्यू वन ठीक, प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, टू प्लस टू कितना फोर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये बात आ रही है आपको समझ में ठीक। एक और देखाता हूँ आपको, पी टू, पी टू कैसे सॉल्व करना है, देखिए टी की वैल्यू कितनी टू, ये टू पुट करना है यहाँ पर टी की जगह, तो कर देता हूँ टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू की पावर थ्री, इसको सॉल्व करता हूँ, टू प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, और फोर का मल्टीप्लाई टू में कराएंगे तो एट, माइनस टू का क्यूब कितना होता है एट, टू इंटू टू इंटू टू कराएंगे तो फिर से कितना आएगा एट, और इस एट से ये एट कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फोर ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये किया है इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, थर्ड पार्ट पी एक्स, ध्यान दीजिए थर्ड पार्ट है मेरे पास पी एक्स इक्वल्स टू क्या एक्स क्यूब,
ठीक है, और मुझे क्या क्या निकालना है, पी जीरो पी वन एंड पी टू ये निकालना है। बड़े आसानी से निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। पी जीरो का मतलब x की वैल्यू क्या, जीरो, जीरो का क्यूब, वी नो दैट इट इज जीरो, ठीक। इसके बाद वन, वन का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू वन रखना है, वन का क्यूब कितना होता है, वन, ठीक। इसके बाद टू, इसका मतलब क्या है, टू का क्यूब, इस बात का मतलब क्या, एट। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक और पार्ट आपको दिया हुआ है, उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ये गिवन है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ये मैंने सही लिखा, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ये ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, पी जीरो निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसका मतलब जहां जहां x लिखा हुआ है वहां जीरो लिख दो, ठीक। जीरो माइनस वन करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन, ठीक है, इंटू जीरो प्लस वन, वन, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, माइनस वन, माइनस वन इंटू वन कराओगे तो क्या आएगा, माइनस वन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या निकालना है, पी वन निकालना है, देखो कितने आसानी से निकलेगा। x की जगह यहाँ वन, यहाँ भी x की जगह क्या, वन, ये पुट कर दिया। अब इसके बाद वन माइनस वन कितना होता है, जीरो, और इधर वन प्लस वन, टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना, जीरो, है ना, जीरो इंटू टू क्या, जीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और दिखाता हूँ आपको, पी टू, पी टू, यहाँ ध्यान दीजिए, x की वैल्यू टू पुट करूँगा यहाँ पर, तो टू माइनस वन एंड टू प्लस वन, टू माइनस वन कितना, वन, और टू प्लस वन कितना, थ्री, और थ्री इंटू वन कितना, थ्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, पॉलिनोमियल हमें गिवन होता है ना, और x की जो वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है, बस कैलकुलेशन प्लस माइनस ठीक करो, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। उस पॉलिनोमियल में हमें x की वैल्यू पुट करनी है और वहाँ से जीरो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस वन, और ये x की वैल्यू हमें गिवन है माइनस वन बाय थ्री। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, पी x की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री इक्वल्स टू थ्री, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, ठीक है, ये समझ आ रहा है। इसके बाद थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, जीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से देखिए, थ्री से थ्री कैंसिल हुआ, माइनस वन प्लस वन मिलकर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होता है, पॉलिनोमियल गिवन होता है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई गिवन है और एक्स की वैल्यू फोर बाय फाइव, ये मैंने यहाँ पर पुट किया, एक्स की वैल्यू फोर बाय फाइव इक्वल्स टू फाइव इंटू फोर बाय फाइव माइनस पाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, फोर माइनस पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा फोर माइनस पाई, ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ x की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करनी है, तो x की वैल्यू 1 पुट की, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद माइनस 1 पुट करना है, तो देखिए माइनस 1 कैसे पुट करेंगे, दो वैल्यू हैं यहाँ पर, पहले वन पुट किया अब माइनस वन पुट कर रहा हूँ, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर है ये वन आ जाएगा, माइनस वन इंटू वन, माइनस वन का स्क्वायर वन,
माइनस वन इक्वल्स टू कितना, जीरो। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो पहले वन पुट करना है, इसके बाद माइनस वन पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में x की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है, तो यहाँ माइनस वन पुट कर रहा हूँ, x माइनस वन, x की वैल्यू यहाँ माइनस वन रखेंगे, फिर से x की वैल्यू यहाँ भी माइनस वन माइनस टू। ठीक है, x की दोनों जगह x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस वन, माइनस वन प्लस वन मिलकर कितना हो जाएगा, जीरो, और यहाँ माइनस वन और माइनस टू मिलकर कितना, माइनस थ्री। ठीक है, जीरो का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या पुट करना है, टू पुट करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पर टू पुट करके दिखाता हूँ। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, एक्स की वैल्यू टू पुट करनी है, तो एक्स की वैल्यू टू प्लस वन, फिर से एक्स की वैल्यू टू माइनस टू, टू प्लस वन थ्री आ जाएगा, और ये टू माइनस टू जीरो, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है, क्या किया हमने, एक्स की वैल्यू यहाँ पर टू पुट की और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी एक्स की वैल्यू टू पुट की और ये जीरो आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास है वो है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स की क्या वैल्यू पुट करनी है, जीरो पुट करनी है। तो पी एक्स की वैल्यू जीरो इक्वल्स टू जीरो का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सिक्स पार्ट हमें गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, जहाँ एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई बड़े आसानी से हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या, माइनस एम अपॉन एल इक्वल्स टू एल, एक्स की वैल्यू फिर से कितनी, माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कितनी पुट कर दी, माइनस एम अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस एम प्लस एम, ये हमारे पास बचा, क्या बचा, माइनस एम प्लस एम, तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, आंसर जीरो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। इसके बाद एक और पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेवेंथ पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ एक्स की वैल्यू है माइनस वन अपॉन रूट थ्री कॉमा टू रूट थ्री, दो वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट करनी है और टू बाई रूट थ्री पुट करनी है। तो पहले माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट करता हूँ इक्वल्स टू थ्री एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, थ्री माइनस वन का स्क्वायर कितना, वन। ठीक है, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना, थ्री। बिल्कुल आसान है, माइनस में क्या चल रहा है, वन चल रहा है। फिर से देखिए, माइनस वन का स्क्वायर कितना, वन, एंड रूट थ्री का स्क्वायर कितना, थ्री। ये समझ आया, अच्छा, थ्री से थ्री कैंसिल, वन माइनस वन ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, थ्री लिखा, एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट की, इसका होल स्क्वायर चल रहा है माइनस वन। ठीक, माइनस वन का थ्री तो ऐसे लिख दिया, माइनस वन का स्क्वायर वन। ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर कितना, थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, वन माइनस वन जीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें जो पुट करना है वो है टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री पुट कर रहा हूँ, थ्री एक्स की वैल्यू टू बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, थ्री ऐसे ही, ठीक है, टू का स्क्वायर कितना, फोर,
ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, और रूट 3 का स्क्वायर फिर से कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 4 माइनस 1, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चंस हैं। ये पॉलिनोमियल गिवन है हमें 2x + 1, और इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट कर देता हूँ, 2 × 1/2 + 1, ठीक है। अच्छा, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 कितना, 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, फर्स्ट px = x + 5, ठीक है, सुनो ध्यान से कैसे करना है। क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले तो ये समझो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है x = x - 1, सपोज दैट ये गिवन है, ठीक है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैं x की क्या वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ जिससे मेरा आंसर जीरो आए, फिर से मैं x की यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरा आंसर जीरो आ जाए, क्या वैल्यू पुट करनी होगी बताओ, 1, तो आंसर क्या है, 1। तो x आपने कहा कि अगर सर x = 1 आपने पुट कर दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर जीरो आएगा, तो हम कहेंगे कि x = 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो। फिर से x = 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो। तो फिर से पॉलिनोमियल का जीरो किसे कहते हैं, तो x की वो वैल्यू जिस पर उस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आता है, जीरो, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का एक जीरो। ये बात आई समझ में। अब इसको हम सर निकालें कैसे, उसके लिए क्या है, अच्छा इसको अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूं तो यहां x की वैल्यू अगर मैं -5 रख दूं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो x = -5 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो आप यहां पर ऐसा करो, लेट पीएक्स इसके इक्वल आना चाहिए जीरो के, पीएक्स की वैल्यू है क्या हमारे पास, x + 5, ये किसके इक्वल, जीरो के, पीएक्स को हमने क्या लिख दिया, x + 5, ठीक। अच्छा, एक्स ऐसे ही ठीक है, 5 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो x = -5 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो है, ठीक है। एक और समझाता हूँ तब बात ज़्यादा समझ में आएगी, सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। सेकंड पार्ट है मेरे पास px = x - 5, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो px हमें पता है, px किसके इक्वल लाना है, जीरो, तभी मुझे x की वैल्यू पता चल सकती है, ठीक है। तो px का जीरो निकाल रहे हैं तो इसको जीरो के इक्वल रख दिया। अच्छा, px की वैल्यू है क्या, x - 5, ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा, 5। तो x = 5 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ये बात आई समझ में, ठीक है। और बताता हूँ फिर ज़्यादा आएगी समझ में। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूँ, px = 2x + 5, ऐसे गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसका जीरो निकालने के लिए पहले क्या लेट कर लो कि px किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के। px की वैल्यू कितनी है, 2x + 5, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 2x। अच्छा, इसके बाद x = -5 अपॉन में क्या,
ये हमारा आंसर आ जाएगा कि x इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो इसका आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब ये जो गिवन है ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक, अच्छा और समझते हैं, फोर्थ पार्ट समझते हैं। जैसे पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस टू, ये कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या हम जीरो निकालने वाले हैं तो हम क्या लेट कर लेंगे कि पी एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? जीरो। ठीक है, तो 3x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, ये 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या चल रहा है 3x, x इक्वल्स टू कितना 2 अपॉन 3, ये इसका एक जीरो होगा। ठीक, और दिखाता हूँ, फिफ्थ पार्ट दिखाता हूँ आपको। पी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है 3x। ठीक है, अच्छा क्या मानना पड़ेगा मुझे? मुझे मानना पड़ेगा कि पी एक्स क्या रहा होगा? जीरो, क्योंकि मुझे जीरो निकालना है। पी एक्स की वैल्यू कितनी? 3x। अच्छा, x इक्वल्स टू जीरो, थ्री कहाँ आएगा? अपॉन में आएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा? जीरो। तो x इक्वल्स टू जीरो अगर यहाँ पुट किया जाएगा तो ये पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आएगा। तो x इक्वल्स टू जीरो क्या है? इसका एक जीरो। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स। ठीक, इसको सॉल्व करना है, क्या करोगे? पी एक्स को किसके इक्वल लिखोगे? क्योंकि जीरो निकालना है इसलिए, और पी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ए एक्स ये क्वेश्चन में गिवन थी, एक्स इक्वल्स टू जीरो अपॉन ए, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया? एक और पार्ट दिखाता हूँ आपको इसका। सेवेंथ पार्ट और लास्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है सी एक्स प्लस डी। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे गिवन है, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन नहीं है। लेट क्या लेट करें, क्योंकि हमें जीरो निकालना है तो पी एक्स का आंसर जीरो आ रहा होगा। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू कितनी है? सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये प्लस का डी है, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का डी। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है? सी एक्स। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, और ये सी अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस का डी अपॉन सी। ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरो को निकाला करते हैं। क्या करना होता है हमें? सबसे पहले लेट करना होता है पी एक्स को जीरो के इक्वल। ठीक है, वैल्यू पुट करनी होती है और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, वो एक्स की वैल्यू हम क्या कहते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में?